दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का वैसा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जाता हो और या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो, तो वैसे स्थिति में आपसे अगर दूरी निकालने को कहता है या समय निकालने को कहता है या चाल निकालने को कहता है, तो वैसे प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, आइए आज क्लास में हम आपको सिखाते हैं। और ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2 हो जाएगा। इसका पहला क्लास आप देखिएगा तो YouTube पर मिलेगा, उसके बारे में हम बता दिए हैं, वो एकदम बेसिक क्लास था। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर टाइप लिख दिया गया है, आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं और इसको रिविजन कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अलग अलग डायरेक्शनों में चलते हैं तो वैसे स्थिति में आपसे अगर दूरी पूछता है, चाल पूछता है, समय पूछता है, तो कैसे आप उसको शॉर्ट तरीका से हल करेंगे, आज की क्लास में आप सीख सकते हैं, है ना। और टाइप का नाम है बना दिए हम यहाँ पर कि जब दो लोग एक ही दिशा में चलता हो तो वैसे स्थिति में कैसे आप दूरी, समय और चाल निकालेंगे। क्लियर। टाइम एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 2। क्लियर। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, इसका ध्यान दीजिएगा और जहां लगेगा कि आपको कुछ कंसेप्ट बताना है तो वहां कंसेप्ट बता देंगे और टोटल प्रश्न को हम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। क्लियर। और वीडियो का पूरा देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा और यह टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आइए इसका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि बड़ा करना होगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, है ना। आइए ये देखिए सबको दिख रहा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ, सबसे पहले छोटा सा कुछ कंसेप्ट ले लीजिए, है ना। देखिए एक व्यक्ति मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे है ना, कोई व्यक्ति है इस तरह का, कोई एक व्यक्ति है ना, ये पैर हाथ हो गया इसका, एक दूसरा व्यक्ति हो गया, है ना, ऐसे है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं और इसका चाल मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, है ना। तो जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो वहां पर सामान्य चाल खत्म हो जाता है, बल्कि सापेक्षिक चाल चालू हो जाता है वहां से, है ना। तो यहां से जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों चालों का जो अंतर होगा ना, वही हो जाता है सापेक्षिक चाल। तो सेम डायरेक्शन में चलेगा ना, तो दोनों चालों का अंतर निकाल दिए, अंतर मतलब घटा दीजिएगा, तो 30 में से 10 जाएगा बन जाएगा, 30 में से 20 जाएगा बन जाएगा 10। तो सापेक्षिक चाल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चाल घट जाता है, लेकिन अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना, मतलब ये जो है एक इधर चलता और एक इधर हो जाता, उल्टा हो जाता है यही, है ना। तो फिर अपोजिट डायरेक्शन चलेगा ना, तो फिर भी आपका सापेक्षिक चाल ही लागू होता है, सामान्य चाल खत्म हो जाता है, इस तरह का चाल को सामान्य चाल बोलेंगे। तो सामान्य चाल खत्म हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर लागू हो जाता है सापेक्षिक चाल। और अपोजिट डायरेक्शन में जो सापेक्षिक चाल होगा ना, तो वो जुट जाता है, सेम डायरेक्शन में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा 30 और 20, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए सापेक्षिक चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, हो गया। क्लियर। बस ये दो पॉइंट को आप समझ लेते हैं तो फिर कोई भी इस तरह का सापेक्षिक चाल वाला क्वेश्चन हो, बहुत आराम से आप उसको बना सकते हैं। क्लियर। तो प्रश्न को लेकर आगे बढ़े हम, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं इसको अच्छा से अपना, है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा कि दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, विपरीत चल रही है, टकराने के 10 सेकंड पहले उनके बीच कितनी दूरी होगा। जैसे वो टकरा रहा उसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना होगा, जैसे यहां पर देख सकते हैं टकरा गया, लेकिन जब ये नहीं टकराया था तो उसके बीच है ना कि दूरी बताना है ना। वो भी कह रहा है कि 10 सेकंड पहले, मतलब 10 सेकंड के बाद वो दोनों क्या हो गए, टक्कर मार दिए होंगे। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि दोनों गाड़ियां जो है अपोजिट चल रही कि एक डायरेक्शन में चल रही। तो दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ, जाहिर सी बात है कि सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों एक दूसरे को टक्कर नहीं मार पाएगी, है ना, अपोजिट चल रहे बता रहा। दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 और 63, क्योंकि दोनों गाड़ियां का चाल अलग अलग है, तो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो कहां से धक्का मार पाएगी, नहीं मार पाएगी, है ना। तो कह रहा दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल गए एक दूसरे की तरफ, है ना। तो ऐसे करिए, एक इधर से चल रहा, एक ऐसे चल रहा, है ना। एक का स्पीड आप देख सकते हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है
63 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, सबको दिखेगा ये कलर बन जा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले सापेक्षिक चाल निकालिए, तो सापेक्षिक चाल क्या होता है कि जुट जाता है, तो 63 और 45 जब जोड़िएगा तो 6 4 10 मतलब 100 और 5 3 8 मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए टाइमिंग कितना दे दिया है, 10 सेकेंड, टाइमिंग जो है वो 10 सेकेंड का टाइमिंग दे दिया है। तो करना कुछ नहीं, बस चाल में समय से गुना कर दीजिएगा ना, तो टकराने का पहले 10 सेकेंड में बोल रहा कि 10 सेकेंड में टकरा जाएगा, तो टकराने के बीच, टकराने से पहले उनके बीच कितना दूरी है वो आ जाएगा आपका, है ना। क्लियर, चाल गुना समय कर दीजिए, सापेक्षिक चाल गुना समय, है ना, क्योंकि जो सापेक्षिक चाल आप लिए चालों का अंतर है, जो टाइमिंग दिया है 10 सेकेंड, ये उनके टकराने के बीच का अंतर दिया है, तो चाल का अंतर गुना समय का अंतर गुना कर दीजिएगा, तो बस दूरी का आ जाएगा, दोनों के बीच का दूरी आ जाएगा, उसका अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 108। अब 108 को 5/8 से गुना करिए, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा ये, है ना, आप गुना कर दीजिए 10। तो ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में हो गया, इस सेकंड में, सेकंड सेकंड कट गया, मीटर में आंसर आ गया, लेकिन किलोमीटर में पूछेगा तो इसमें एक बार 1000 से भागा लगाना पड़ेगा, तब आपका डिस्टेंस बनेगा किलोमीटर में। क्लियर, 18 से ये 6 भाग में काट दीजिएगा, है ना, 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा, 6 × 5 = 30, इसका 30 वाला सोना एगो इसके साथ कट जाएगा, मतलब 3.0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्लियर, तो नोट कीजिए इसको और रिविजन करना है इसको अच्छा से, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि ए और बी 20 किलोमीटर, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर, देख सकते हैं इसमें ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, यदि वह प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए तो वह कब मिलेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ए और बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिखेगा आपको, 20 किलोमीटर है, सही है। अब कह रहा कि ए का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, क्या बोला है, गति से चल सकता है 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ऐसे ए और बी, है ना, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर है ना, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी, एक दूसरे की ओर चलना, इसका स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और उसका स्पीड कितना है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दो चाल आ गया ना, तो दोनों चाल को मिलाकर सबसे पहले सापेक्षिक चाल निकालिए, तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जुट जाएगा, तो 6 × 4 = 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, मतलब दूरी का अंतर है, दोनों के बीच का अंतर दिया है 20 किलोमीटर, चालों का अंतर कितना हो गया 10, तो जैसे दूरी का अंतर में चाल का अंतर से भाग लगेगा समय का अंतर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटा में चाल, तो 20 में 10 से भाग लगा दीजिए कितना आया, 2 घंटा, मतलब 2 घंटा के बाद जो है वो दोनों मिल जाएगा आपस में, समझ में आया। तो 7 बजे चला था और 2 घंटे के बाद मिलेगा, मतलब 9 बजे दोनों आपस में मिल जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन संख्या 3 ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। कहा गया कि ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा निकलता है, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं आप, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ लेगा, कौन पकड़ने जाएगा, बी ए को पकड़ने गया, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि बी ए को पकड़ लेगा है, तो सबसे पहले ये पता करिए कि बी कितने घंटे के बाद ए को पकड़ेगा, सबसे पहले ये पता करिए। ध्यान दीजिएगा, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक समान चाल से चलता है और उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर गति से उसका पीछा निकलता है। ध्यान दीजिए, ऐसे जैसे ए यहाँ से निकल गया, ए अपना चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसके पीछे से कौन निकल गया, बी निकल गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए जो है 8 की स्पीड से निकल गया और 8 घंटा दूरी तय कर लिया, उसके बाद पीछे से बी निकला, तो सबसे पहले पता करिए कि ए जो है 8 की स्पीड से 8 घंटा में कितना दूरी तय किया,
है ना। तो 8 की स्पीड से चाल दे दिया है आज, और 8 घंटा तक चला है, ठीक है ठीक, 64 किलोमीटर। मतलब ए जब 64 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो उसके पीछे से कौन निकल गया, बी निकल गया, बढ़िया है ना। अब देखिए ए का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो सापेक्षिक चाल निकालिए, अब सापेक्षिक चाल दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मतलब अब देखिए दोनों का चालों का जो अंतर आ गया वो हो गया 16 किलोमीटर, लेकिन दोनों के बीच का जो दूरी का अंतर हो गया 64 किलोमीटर, क्योंकि ए पहले 64 किलोमीटर चल लिया तब उसके पीछे से बी चल रहा था, क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि दूरी में हम समय से भाग लगा देंगे तो हमको पता चलेगा कि इनके बीच टाइमिंग का क्या अंतर आ गया, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू 64 में भाग लगा दीजिए 16 से, 16 चौके 64, मतलब टाइम के बीच इसका अंतर है 4 घंटा का। मतलब बी जो है 4 घंटे के बाद अपना 24 की स्पीड से अगर चलेगा तो ए को जाके पकड़ लेगा, क्लियर। तब पूछ रहा है कि बी का, बी बताइए ए को आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ेगा। तो बी का डिस्टेंस निकालिए, देखिए यहां पर लिखिए, अब बी का डिस्टेंस इतना लिखना नहीं एग्जाम में, लेकिन हम इसलिए इतना डीप बता रहे हैं कि जो बेसिक विद्यार्थी होगा उसको भी समझ में आ जाए, क्लियर। तो बी का डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए बी का जो यहाँ पर आप देखिए समय कितना आ गया 4 घंटा, बी का चाल कितना है 24, तो 24 चौके 96, है ना, मतलब 96 किलोमीटर पर जाके पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसको, और रिविजन करेंगे आप, नेक्स्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से दौड़ते हुए वह व्यक्ति उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहेगा, सबसे पहले ये जो व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा, मतलब उसका स्पीड 4 की स्पीड है, और 2 घंटा 45 मिनट तक चलते रहा, और सबसे पहले कह रहा है कि इतना समय तक चला, लेकिन अब चाहता है कि 16.5 की स्पीड से चलेंगे, तब बताइए कि हम कितने देर में वो दूरी तय करेंगे जो पहले तय करते थे। तो सबसे पहले पता करिए कि पहले वो कितना दूरी तय करता था, क्योंकि यहाँ पर चाल उसका दे दिया और समय दे दिया, तो चाल गुना जब समय करते हैं तो दूरी आपको पता चलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी इज इक्वल टू, तो चाल है 4 और समय है 2 घंटा 45 मिनट, तो 2 + 45 मिनट को घंटा में बदल दीजिएगा, ऐसे 60 से भाग लगाए, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 8, 8 × 3 = 11/4, 4 × 4 कट गया, कुल मिलाकर डिस्टेंस बन गया कितना 11 किलोमीटर। मतलब ये व्यक्ति जो है 11 किलोमीटर की दूरी पहले तय करता था, लेकिन यही व्यक्ति अब चाहता है कि यही दूरी जो 11 किलोमीटर है इसको 16.5 की स्पीड से तय करे, है ना। तो समय बताना है तो लिख लीजिए, टाइम इज इक्वल टू दूरी बट्टा में चाल, चाल है कितना 16.5, तो ये हो गया दूरी, ये हो गया आपका चाल। तो समय आ जाएगा घंटा में, समय आएगा, क्यों आएगा घंटा में, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया और यहाँ बच जाएगा केवल घंटा बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है मिनट में बताइए, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देना होगा, गुना, क्लियर। इसको हल कर लीजिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा, हो जाएगा बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आइए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, राजा और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत चल रहे, ये हो गया राजा और ये हो गया प्रेम, हो गया है ना, विपरीत दिशा में दोनों चल रहा है एक दूसरे से, है ना। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी होंगे। मतलब ये कहता है कि हम सर 3 की स्पीड से अपना इधर जाएंगे और 2 की स्पीड से वो अपना इधर जाएगा, दोनों जो है 2 घंटा चलेगा और 2 घंटे के बाद दूरी बताना है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सापेक्षिक चाल लगाइए, कौन सा चाल, सापेक्षिक चाल, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, जुट जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, हो गया।
और टाइमिंग का जो अंतर है इनके बीच में 2 घंटा, क्योंकि दोनों का बीच जो समय का अंतर है 2 घंटा, 2 घंटा तक दोनों अपना चलेगा। तो करना कुछ नहीं है खास, 4 गुना समय कर दीजिए, आपका दूरी आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, 5 दूनी का 10 किलोमीटर, मतलब दोनों जो है 2 घंटा चलेगा तो 10 किलोमीटर का दूरी पहुंच जाएगा वो लोग। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा, क्वेश्चन संख्या 6। 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए और बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं। ये देखिए दोनों एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूरी पर खड़े हुए हैं, है ना? और प्रश्न में कहा गया है कि पैदल चलना आरंभ करते हैं, 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात परस्पर मिल जाते हैं। ये दोनों पैदल चलते हैं और 1 घंटा 15 मिनट के बाद दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल क्या होगी? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखिएगा तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, एक इसके साइड चल रहा है तो एक उसके साइड चल रहा है ना, तो क्या होगा कि जहां भी 2 चाल होगा वहां सापेक्षिक चाल लगेगा, तो चाल क्या हो जाएगा यहां पर, जुट जाएगा। समस्या यह है कि इसका चाल दिया है लेकिन इसका चाल नहीं दिया। अगर ये ए है, ये वाला अगर ए है और ये बी है, तो इसका चाल दिया है लेकिन इसका चाल नहीं दिया। इसका चाल हम कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हैं ना, क्लियर? तो होगा क्या कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो चाल जुट जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 प्लस एक्स, इसका हम 4 ले लिया, इसका हम ले लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया क्लियर इतना? तो हम क्या किए कि दोनों का ऐसे जोड़ दिए तो सापेक्षिक चाल हमारे अनुसार आ गया। लेकिन अब देखिए दोनों के बीच का दूरी कितना है, 12 किलोमीटर, है ना? अब हम दूरी में अगर समय से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, सही है? ध्यान दीजिएगा, अब देखिए समय दूरी दे दिया और समय देखिए 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 प्लस 15 मिनट को घंटा बदल दीजिए, 15/60, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो इसको हल अपना करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब आप दूरी में किससे भाग लगाए, समय से, तो ये क्या हो गया, चाल आ गया। लेकिन कौन सा चाल आया, यहां भी आपका सापेक्षिक चाल ही आएगा, क्योंकि दो लोग जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो जो चाल आएगा वो सापेक्षिक चाल आएगा, तो उसके अनुसार सापेक्षिक चाल इतना हो गया, मतलब यहां पर दोनों चालों जुट के आ गया, हमारे अनुसार सापेक्षिक चाल ये हो गया, दोनों तो सापेक्षिक चाल ही आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हल कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स, है ना, और ये हो जाएगा 4 × 4 और ये हो जाएगा 5/4, तो ये हो जाएगा 12, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा आपका, है ना? इसको हल करिएगा क्रॉस मल्टीपल गुना करके, तो आपका बी जो है उसका आंसर एक्स जो आएगा वही आपका बी का हो जाएगा। क्लियर? हल कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो आप जानते हैं कि इसको कैसे हल करना है, क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिएगा 5 × 20 अब प्लस 5 एक्स हो जाएगा, 2 × 48 घटा लीजिएगा हो जाएगा, सही है? तो आज हम आपको टोटल 6 क्वेश्चन बताए और टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, है ना? आज हम कवर किए सापेक्षिक चाल, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लास नंबर 2। इसी तरह से क्लास नंबर 3 चलाएंगे, थोड़ा सा और कठिन प्रश्न को हम उठाएंगे। क्लियर? तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।